देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स वियर्ड बिहेवियर दिखाती है। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमारे पास एक गन है जिससे हम पार्टिकल को भेज रहे हैं। डबल स्लिट से होते हुए दोनों स्लिट से पार्टिकल जा रहा है। सामने स्क्रीन पर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। अब इसी तरह से हम वेव्स को सेंड करेंगे। तो देखिए, वेव्स जा रही हैं दोनों स्लिट से निकलने के बाद क्या स्क्रीन पर कौन सा फिनोमिना शो करती हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब कहीं कहीं ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी और उनके बीच में जो ये ब्लैक है, यहाँ डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, ठीक है। अब हम एक क्वांटम ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमने क्या भेजा, वेव भेजी, और स्लिट से निकलने के बाद ये वेव किस तरीके से वेव कर रही है, देखिए स्क्रीन पर जाकर पार्टिकल बन गई। फिर हमने वेव भेजी, फिर से क्या हो गया, पार्टिकल बन गई। फिर से हमने वेव भेजी, फिर से क्या हो रहा है, पार्टिकल बन रही है ये, ठीक। इस तरीके से हम वेव भेज रहे हैं और ये स्क्रीन पर क्या बिहेवियर दिखा रही है, पार्टिकल बिहेवियर दिखा रही है। और इस पार्टिकल बिहेवियर से हमें क्या दिख रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है। अब हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वर को इधर रख दिया इलेक्ट्रॉन गन के साइड में। जब ऑब्जर्वर ने देखा तो क्या देखा, एक वेव को जाते हुए देखा, लेकिन जैसे ही स्लिट के पास आई वो क्या बन गया, एक पार्टिकल बन गया, और पार्टिकल जाकर स्क्रीन पर स्ट्राइक कर गया। देखिए, ये वेव जा रही है और ये क्या बन रहा है, पार्टिकल बन रहा है। बार बार वेव भेज रहे हैं और ये क्या बन रहा है, पार्टिकल बन रहा है, और बहुत सारे पार्टिकल कहाँ, स्क्रीन पर जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही वियर्ड बिहेवियर है कि हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे ऑब्जर्वेशन के कारण क्या होता है, कोई भी क्वांटम पार्टिकल अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, जिसको हम अच्छे से आगे जानेंगे, एक्सपेरिमेंट इसको आगे अच्छे से समझेंगे हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्वांटम मैकेनिक्स का अपना न्यू लेक्चर। तो देखिए, अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके थे वो डी ब्रॉयी की हाइपोथेसिस अभी तक हम लोगों ने जानी थी। तो डी ब्रॉयी की हाइपोथेसिस क्या बता रही थी, डी ब्रॉयी की हाइपोथेसिस पूरा आपका वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पे बात कर रही थी कि जैसे लाइट का या फिर रेडिएशन का जो वेव नेचर होता है उसके साथ साथ वो क्या पार्टिकल नेचर भी रखती है, सिमिलरली पार्टिकल के पास भी क्या होना चाहिए था, वेव नेचर होना चाहिए था। अब देखिए, ये उन्होंने केवल और केवल हाइपोथेसिस अपनी दी थी, अभी इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं आया था हमारे सामने, ठीक। 1924 में उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दे दी और उसके बाद कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं। अगर ये एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ आ जाता या फिर आपका ये डी ब्रॉयी के अकॉर्डिंग अगर उनका कॉन्सेप्ट सही था तो देखिए बहुत कुछ बदलने वाला था क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में। बहुत कुछ कैसे बदलने वाला था कि चीज़ों को देखने का नज़रिया, उनका सिनेरियो बदलने वाला था पूरा का पूरा। जैसे अभी इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे कि उनका जो हाइपोथेसिस थी वो 100% सत्य थी, ठीक। और उसके बाद कुछ बातें जो निकल के आएंगी क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में, जैसे कि सारी चीज़ें क्या करती हैं, ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो निकल के आने वाली हैं उनके एक्सपेरिमेंट, जो भी हाइपोथेसिस उन्होंने दी थी उसका प्रूफ होने के बाद, उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा आने के बाद। तो देखिए, जब उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी तब किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया उस चीज़ में। मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले आइंस्टीन साहब आए और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि एक काम करिए, जो डी ब्रॉयी साहब ने जो हाइपोथेसिस दी है इस पर काम करिए आगे। लोगों से बोला, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी वहाँ लोगों से आइंस्टीन साहब ने आग्रह किया कि जो भी इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी है इसमें कुछ ना कुछ है, ठीक। तो यहाँ से उनकी हाइपोथेसिस को थोड़ा सीरियसली लिया लोगों ने, और बाद में जाके 1927 में और 28 में ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका आया। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट है, डेविसन और जर्मर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और एक जीपी थॉम्सन ने भी किया था। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो उनकी हाइपोथेसिस थी डी ब्रॉयी साहब की, वो क्या है, वो सत्य है बिल्कुल। और ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि किस तरीके से एक पार्टिकल भी कौन सा नेचर शो करता है, कौन सा बिहेवियर रखता है, वे बिहेवियर रखता है। तो देखिए, ये पूरा जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो अभी तक जो डी ब्रॉयी की हाइपोथेसिस थी तो उसको एक्सपेरिमेंटली जो वेरीफाई करना था वो रह गया था। तो उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कब किया गया, देखिए 1927 में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था
इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्टिंग एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन का यहाँ डिफ्रैक्शन हुआ था, ये डेविसन और जर्मर ने किया था। अब देखिए इनका अरेंजमेंट देखते हैं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, उसके बाद कहानी देखते हैं कि ये किस तरीके से हुआ। ये हमारे पास एक पोटेंशियल सोर्स है, इससे एक इलेक्ट्रॉन गन को हमने कनेक्ट कर रखा है। ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को दागती है, इलेक्ट्रॉन की गोलियाँ निकालती है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन गन को हमने रियोस्टेट से कनेक्ट कर रखा है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल वोल्टेज देंगे हम, अलग अलग वोल्टेज देंगे, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हम यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या है, ये हमारे पास ये एक सिंगल निकल क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल रखा हुआ है, ये वेल अरेंज्ड लेयर बाई लेयर। सिंगल निकल क्रिस्टल का क्या मतलब है कि जैसे जैसे मेरे पास ये एक एक लेयर है निकल की, इसके ऊपर एक और लेयर ऐसे ही, एक और लेयर ऐसे, एक और लेयर ऐसे। ठीक, तो बहुत सारी लेयर से ये क्रिस्टल बना हुआ है, सिंगल निकल क्रिस्टल। यहाँ पर क्या लगा रखा है हम लोगों ने, इंटेंसिटी डिटेक्टर। ये क्या करता है कि यहाँ से जो भी वीम आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ से क्या होगी, स्कैटर होगी, वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगी इस पर पड़ते ही। अच्छा, फैल जाएगी तो ये इंटेंसिटी डिटेक्टर क्या करेगा, उस बीम की इंटेंसिटी को, जो स्कैटर हुई है उस बीम की इंटेंसिटी को ये मेज़र कर सकता है, बता सकता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम आई, इस पर पड़ेगी और जाएगी, जैसे ही रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा उसको। अच्छा ठीक है, और अच्छा सारा ये सेटअप हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें जर्मर साहब ने क्या किया था, डेविसर और जर्मर साहब ने क्या किया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही तगड़ा एक्सेलरेट कराया, और एक्सेलरेट कराने के बाद उनको एक वीम में छोड़ा। तो एक वीम में जैसे ही छोड़ा, वो कहाँ पड़ी जाकर, निकल क्रिस्टल पर। अच्छा, निकल क्रिस्टल पर पड़ी, उसके बाद क्या हुई, वो डिफ्रैक्ट हुई, और यहाँ पर हम लोगों ने उसकी इंटेंसिटी को मेज़र किया। जो एक इंसिडेंट बीम आई थी, उस बीम की इंटेंसिटी को हम यहाँ नोट कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस गई है उसकी इंटेंसिटी को नोट कर रहे हैं। अच्छा, उसकी इंटेंसिटी को नोट क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट लिया था, इसका कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक उठ के आया था आपका, कि एक्सरे का जो एक्सरे का आपका डिफ्रैक्शन होता है, जब भी हम एक्सरे किसी भी क्रिस्टल के ऊपर डालते हैं तो वो डिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करती है, वहाँ पर डिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करती है और ब्रैक्स लॉ को ओवे करती है। ठीक, तो एक्सरे क्या था, एक्सरे हमारी एक वेव है। ठीक, अच्छा अगर वही सेम काम, अगर हम कोई भी पार्टिकल की एक वीव किसी क्रिस्टल पर डालते हैं और वहाँ पर भी वो पार्टिकल की बीम अगर डिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करती है, तो मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकल किस टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। देखिए वेव के पास अलग कैरेक्टर होते हैं, जैसे सबकी एक आइडेंटिटी होती है, अलग आइडेंटिटी। मेरे ब्राउन बाल हैं, खड़े रहते हैं मेरे बाल, ठीक, मैं पतला हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। आपकी आइडेंटिटी है कि आप मोटे हो गए, एक जगह बैठ के बहुत सारा खाना खा जाते हो, ये आपकी आइडेंटिटी है। सेम वेव की आइडेंटिटी क्या है कि वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करेगी, इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगी। ठीक, कहीं भी पड़ेगी तो फैल जाएगी। मैटर की आइडेंटिटी क्या है कि वो जाएगा कहीं भी गोली की तरह, फोर्स लगाएगा जाके। ठीक है, ये मैटर की आइडेंटिटी होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न, अगर कोई भी मटेरियल डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहा है, कोई भी पार्टिकल डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहा है, तो मतलब वो क्या करैक्टर रखता है, वो वेव करैक्टर रखता है। तो वहाँ से उस लॉजिक से यहाँ पर ये नया लॉजिक लेकर आए हैं कि अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल पर गिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल नेचर है इनका, पार्टिकल नेचर है, तो मतलब इनके पास मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए, मतलब ये फोर्स लगाएंगे कहीं जाके। अगर पार्टिकल इस पर गिरने के बाद और वापस जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या शो हो रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर हमें मिल रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल हैं उनके पास कौन सा नेचर है, उनके पास वेव नेचर भी है। ये हमें प्रूफ करना था कि क्या यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहे हैं, ये हमें देखना था। तो क्या ऐसा हुआ, तो देखिए ऐसा ही हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन की बीम आई, इलेक्ट्रॉन की बीम को जब हमने उसकी बीम की इंटेंसिटी को यहाँ मेज़र किया, तो ये डिटेक्टर यहाँ कुछ और, जैसे मैं लोकेशन को डिसाइड करता हूँ, यहाँ ए लोकेशन है, ये बी लोकेशन है, ये यहाँ पर सी लोकेशन है, ये डी लोकेशन है, ये ई लोकेशन है, ये एफ़ लोकेशन है, डिटेक्टर को
अलग अलग जगह रखा गया, ई लोकेशन पे रखा, तो इसने इंटेंसिटी, यहाँ पर जो बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी को रिनोट कर रहा है, तो इसने इंटेंसिटी को क्या किया, कम नोट किया। बी पर रखा तो और कम किया नोट, सी पर रखा मैक्सिमम किया, यहाँ पर इंटेंसिटी जो डिटेक्ट की वो क्या की, मैक्सिमम इंटेंसिटी डिटेक्टेड। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब डिटेक्ट की, जब एंगल दोनों बीम्स के बीच में 50 डिग्री हुआ, यहाँ पर वोल्टेज हमने कितना दिया, 54 वोल्ट, इतना हमने वोल्टेज दिया इस पोटेंशियल सोर्स से, इतना जब हमने वोल्टेज दिया इलेक्ट्रॉन को, तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न उसने शो किया। मतलब यहाँ देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें कैसे पता चला, तो उसके पीछे भी कहानी है। डिफ्रैक्शन कब होता है, कोई वेव कब डिफ्रैक्शन करती है, जब उसके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस हो। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा निकल क्रिस्टल है, तो इस निकल क्रिस्टल को लेयर बाई लेयर बनाया गया, तो जो इलेक्ट्रॉन एक आया वो ऊपर वाली लेयर से ही क्या किया, इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट कर गया। दूसरी बीम आई, वो क्या हुआ, पहली लेयर को क्रॉस करके अंदर तक चली गई और उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई। तो दोनों बीम्स के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट बीम आई, ये रिफ्लेक्ट करके चली गई, ठीक। ये सेकंड बीम आई, ये दूसरी लेयर है, ये कौन सी लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ये वाली फर्स्ट लेयर किसकी, निकल क्रिस्टल को ही हमने यहाँ बनाया है। ये दो लेयर दिखाई हैं, पहली ऊपर वाली लेयर से आके ये लाइट की बीम चली गई, सॉरी इलेक्ट्रॉन की बीम चली गई, दूसरी इलेक्ट्रॉन की बीम अंदर तक पेनिट्रेट की उसके बाद चली गई। तो देखिए दूसरी इलेक्ट्रॉन की बीम है, उसने कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, ये वाला पाथ ट्रेवल किया, तो मतलब इन दोनों वेव्स के बीच में यही तो पाथ डिफरेंस आया, ए बी सी। अच्छा ये जो पाथ डिफरेंस आया, अब देखिए पाथ डिफरेंस आया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब पाथ डिफरेंस आता है तो दो वेव्स का इंटरफेरेंस होता है, अगर वो पाथ डिफरेंस n बाई टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू के बराबर होता था तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, और n लैम्डा के बराबर होता था तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाए तो क्या होता था, डिस्ट्रक्टिव होता था, वरना कंस्ट्रक्टिव होता था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो सेम कहानी यहाँ पर है कि जो दो बीम आ रही हैं, इन दो बीम्स को यहाँ पर देखिए, जो दो बीम्स आ रही हैं, दोनों बीम्स का जब इंटरफेरेंस हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये इंटेंसिटी डिटेक्टर है, ये क्या कर रहा है, इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर रहा है। जब दोनों वेव्स आएंगी और दोनों वेव्स का जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी यहाँ पर, ठीक। डिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो रही है इस डिटेक्टर में, अगर इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मटेरियल है वो कौन सा बिहेवियर दिखा रहा है, वेव बिहेवियर दिखा रहा है। क्योंकि इंटेंसिटी कम या ज़्यादा ये कौन दिखा सकता है, ये इंटरफ्रेंस पैटर्न शो करता है। जब दो वेव्स का क्रेस्ट या फिर ट्रफ मिलता है तो मैक्सिमा बनता था, ठीक, और एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ मिलता था तो मिनिमा बनता था, इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती थी, और जब मैक्सिमम बनता था तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती थी। और ये कहाँ शो होता था, ये वेव में शो होता था, हम लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा हुआ है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कहानी उसके बाद बुनी गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि इस पाथ डिफरेंस के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी हमें क्या मिल रही है,
कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। जब हम इस इंटेंसिटी डिटेक्टर को पोजीशन ए पर लाते हैं तो इंटेंसिटी कुछ और मिलती है, बी पर लाते हैं तो कुछ और मिलती है, डी पर लाते हैं तो कुछ और मिलती है, ई पर लाते हैं तो कुछ और मिलती है, एफ पर लाते हैं तो कुछ और मिलती है, अलग अलग इंटेंसिटी मिलती हैं। बट सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कब मिलती है, जब हमने थीटा कितना रखा 50 डिग्री और वोल्टेज जो हमने दिया वो 54 वोल्ट दिया, ठीक 54 वोल्ट दिया, थीटा 50 डिग्री रखा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी डिटेक्टर ने क्या डिटेक्ट किया, इस इंटेंसिटी को मैक्सिमम डिटेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, इस इंटेंसिटी को मैक्सिमम डिटेक्ट किया। अब यहाँ से देखिए दो ग्राफ, इन ग्राफों को आपको समझना है। ये ग्राफ मेरे पास एक है, यहाँ पर ये इंटेंसिटी डिटेक्टर का क्या मतलब है, ये कलेक्टर करंट को भी डिटेक्ट करता है, मतलब कितना करंट यहाँ पर करंट को कलेक्ट कर रहा है एक तरीके से ये, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया काइनेटिक एनर्जी और कलेक्टर करंट में, ये कलेक्टर करंट की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। देखिए इंटेंसिटी और कलेक्टर करंट बात एक ही है, यहाँ पर क्या है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक, उसको ये क्या कर रहा है, उसको गिन रहा है, ठीक। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक, उतना ज़्यादा क्या हो रही है, इंटेंसिटी हो रही है, तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करना, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या है, E=Q×V। तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए हमारा कलेक्टर करंट किस तरीके से कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, ठीक। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं तो कभी कभी हमें इंटेंसिटी कम मिल रही, कभी ज़्यादा मिल रही, मान लो ए पर हमें कुछ मिलती है इंटेंसिटी, बी पर थोड़ी कम मिलती है, सी पर एकदम मैक्सिमम मिल गई, डी पर फिर कम मिलती है, ई पर थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो इस तरीके से कलेक्टर करंट कुछ बिहेव कर रहा है जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए मैक्सिमम 54 वोल्ट जब हमने किया तो कलेक्टर करंट हमें क्या मिला, मैक्सिमम मिला। जब हमने 54 वोल्ट किया तो कलेक्टर करंट हमें मैक्सिमम मिला, ठीक। आगे देखिए, अब हमने ये ग्राफ किसके बीच में बनाया, थीटा और कलेक्टर करंट के बीच में। अब इस थीटा की बात कर रहे हैं, इस थीटा को चेंज किया, पहले 20 डिग्री किया, थीटा रखा, इसको घुमाया, मतलब थीटा को भी तो चेंज कर रहे हैं, ठीक। थीटा को अगर हम बदल रहे हैं तो थीटा को 20, 30, 40 डिग्री करते गए, ठीक। पहले 20 किया, ए पर मान लेते हैं 20 है, बी पर 30 है, सी पर हमने कितना किया थीटा को 50 डिग्री किया। जैसे सी पर थीटा ये 50 डिग्री हुआ, देखिए कलेक्टर करंट क्या हो गया, यहाँ पर कलेक्टर करंट मैक्सिमम, या फिर बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। इंटेंसिटी क्या हो गई, यहाँ पर मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी नहीं, हम इसे इंटेंसिटी बोलेंगे। यहाँ पर क्या मिल गई हमें, मैक्सिमम मिल गई 50 डिग्री पर। फिर उसके बाद इंटेंसिटी क्या हुआ, कम हो गई। तो देखिए ये बिहेवियर कौन शो करता है, इंटेंसिटी कम होना, इंटेंसिटी ज़्यादा होना, इंटेंसिटी कम और ज़्यादा कब होगी, जब किन्हीं दो वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा होगा तभी तो इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। ये पार्टिकल बिहेवियर ये शो नहीं करता है, कोई भी अगर पार्टिकल होगा तो उसका काम क्या है, वो एक जगह पर जाकर स्ट्राइक करेगा, फिर वहाँ पर रुक जाएगा, ठीक। वो क्या करता है, फोर्स लगाता है, उसका कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, उतना ही फिक्स फोर्स लगाएगा। अगर एक पार्टिकल 5 kg का है, ठीक, उसे एक फिक्स एक्सेलरेशन से फेंका गया है, फिक्स एक्सेलरेशन से भेजा है, तो वो एक फिक्स फोर्स लगाएगा, ठीक है। ऐसे 50 पार्टिकल आप फेंक दो, 50 पार्टिकल फिक्स फोर्स लगाएंगे, बट अगर दो वेव्स को भेजा जा रहा है, ठीक, उनके अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है, उनके वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, भाई यहाँ हमें यहाँ पर मिल रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिल गई, चमक ज़्यादा पड़ रही है। इंटेंसिटी मैक्सिमम का क्या मतलब है, चमक ज़्यादा पड़ रही है। डबल स्लिट का एनिमेशन मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कहानी क्या है, ठीक। अभी आप केवल ये जानिए कि अगर इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है तो वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और डिस्ट्रक्टिव होता है तो इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है, इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो जो ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर कौन शो करता है, ये बिहेवियर केवल और केवल वेव शो करती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर शो करता है, यहाँ से तो हमें दिख रहा है वेव बिहेवियर शो कर रहा है,
यहाँ से तो हमें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन वेव वेवर शो कर रहा है, पूरा हमने एक्सपेरिमेंट से उसे देख लिया, आंखों से देख लिया। लेकिन अब हम क्या निकालते हैं, देखिए अगर वेव वेवर शो कर रहा है तो मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेव लेंथ है, और कुछ ना कुछ वेव लेंथ है तो यहाँ से हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे, उसकी वेव लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। और प्रैक्टिकली जो हम वेव लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो डेवरॉय की हाइपोथेसिस थी, उस फॉर्मूले से जो डेवरॉय साहब ने फॉर्मूला दिया, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, वहाँ से भी वेव लेंथ निकालेंगे। भाई उन्होंने पार्टिकल के लिए भी तो फॉर्मूला दिया है कि पार्टिकल नेचर है तो उसकी वेव लेंथ क्या होगी, वो फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता था, वेव लेंथ इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ठीक। वो बात की कहानी है, वो डेवरॉय साहब की हाइपोथेसिस बात की कहानी, पहले इसका हम यहाँ पर वेव लेंथ निकालते हैं और डेवरॉय साहब की वेव लेंथ निकालेंगे। अगर दोनों की वेव लेंथ मैच करती हैं, उनकी हाइपोथेसिस से जो फॉर्मूला था वहाँ से जो वेव लेंथ निकल के आएगी वो, और यहाँ से एक्सपेरिमेंटली जो वेव लेंथ निकली अगर दोनों मैच करती है, तो मतलब डेवरॉय साहब सत्य है, 100% वो अपनी जगह क्या थे, सही थे, ठीक। वैसे भी ये तो हमें कंक्लूजन पता है, एक्सपेरिमेंट हम देख ही चुके हैं कि वेव लेंथ हमारी यहाँ से जो निकलेगी वो डेवरॉय साहब के जो हाइपोथेसिस है उस वाले फॉर्मूले से जो वेव लेंथ निकलेगी दोनों सेम होंगी। तो हम करते हैं फिलहाल, तो देखिए यहाँ पर ब्रैक्स लॉ, अब ब्रैक्स लॉ का यूज़ करते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। तो देखिए ब्रैक्स लॉ क्या है, 2D साइन थीटा, देखिए यहाँ साइन फाई लेते हैं, कौन सा वाला एंगल लेना होता है हमें ब्रैक्स लॉ में, ये वाला एंगल, 2D साइन फाई इक्वल्स टू क्या होता है, एन लैम्डा। अब देखिए जो हमें इंटेंसिटी अभी मैक्सिमम मिल रही थी, ये जो डिटेक्टर हमारा लगा हुआ था, ये डिटेक्टर था ये इंटेंसिटी मैक्सिमम दे रहा था, इंटेंसिटी मैक्सिमम ये थीटा बराबर कितना था, 54 डिग्री था, सॉरी थीटा बराबर 50 डिग्री था, और वोल्टेज हमारा कितना था, 54 वोल्ट था, ये हमारे पास 54 वोल्ट था। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या मिल रही थी, मैक्सिमम मिल रही थी, मतलब यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा, अगर मैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करूँ तो याद रखिए सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मैक्सिमम हमें कहाँ मिलती थी, सेंट्रल मैक्सिमा पर। थोड़ा सा याद दिलवाता हूँ आपको, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता था, ये इस तरीके से ये दो स्लिट होती थी, सामने स्क्रीन होती थी, तो यहाँ से एक वेव यहाँ से ऐसे जाती थी, एक वेव यहाँ से ऐसे जाती थी, यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न होता था, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर होती थी मैक्सिमम, यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, तो इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम, मतलब यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम मतलब फर्स्ट फ्रिंज भी यही बनती थी, तो n बराबर इसके लिए क्या होता था, 1 होता था पहली फ्रिंज, तो सेम। अगर मैं बात करूँ एट थेटा इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड वोल्टेज कितना, 54 वोल्ट, इस पर हमें क्या मिलता है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक, या फिर बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, ठीक, या फिर n = 1 वाला इंटरफेरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो ब्रैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, अब देखिए 2D साइन थीटा, ब्रैक्स लॉ पढ़ लीजिए केमिस्ट्री में, ये देखिए इन दोनों लेयर्स के बीच में जो निकल क्रिस्टल था, उन दोनों लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इसे बोलते हैं हम लोग इंटरप्लेनर स्पेसिंग, वो कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस 0.91 एंगस्ट्रम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी हमारे पास कितना है, 0.91, तो 2D साइन फाई 2 × 0.91 × 10⁻¹⁰ मीटर × साइन 65। देखिए ये 50 डिग्री, जितना इधर एंगल बन रहा है उतना ही एंगल इधर बन रहा होगा, तो 5 + 5 + 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 5 = कितना आ गया, 65 डिग्री, यहाँ से इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन कितना है, 1 × लैम्डा, तो यहाँ से जो लैम्डा निकल के आता है वो हमारे पास आता है 1.66 एंगस्ट्रम,
देखिए एक्सपेरिमेंटली जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन करके जो हमारे पास लैम्डा निकल के आता, वो कितना निकल के आता, 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए अब हमें डेवरॉय की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग निकालनी है क्या वेवलेंथ, और डेवरॉय की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ निकल के आएगी, ठीक, अगर वो इससे मैच कर जाती है तो क्या कहानी सही हो जाएगी डेवरॉय की। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और यहाँ पर देखिए ज़रा मोमेंटम हमारे पास कितना है। देखिए पी इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, रूट टू एम इंटू ई, ये फॉर्मूला है डेवरॉय की हाइपोथेसिस से ही मैंने कराए थे 3 फॉर्मूले, इससे पहले वाला आप लेक्चर देखिए वहाँ पर ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब देखिए मास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अच्छा ई कितना है, ई काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो क्यू इंटू वी, क्यू कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 इंटू वी। वोल्टेज कितना हमारे पास 54, ये रहा हमारे पास वोल्टेज, ठीक। अच्छा इस यहाँ लैम्डा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 ओवर रूट टू इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 54। तो देखिए यहाँ से जो डेवरॉय साहब ने जो फॉर्मूला दिया था, यहाँ से जो हमारे पास लैम्डा निकल के आता है वो नियरली सेम निकल के आता है जो प्रैक्टिकली हमारा निकल के आया था, ठीक। देखिए जो प्रैक्टिकली हमारा लैम्डा निकल के आया था सेम, यहाँ से भी डेवरॉय की जो हाइपोथेसिस थी उससे हमने कैलकुलेट किया तो सेम लैम्डा निकल के आया। तो यहाँ से क्या कहानी, यहाँ से मतलब ये चीज़ प्रूफ हो गई। देखिए ये रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये 100% श्योर हो गया कि पार्टिकल भी क्या है कि वेव करेक्टर रखता था, और ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। अब हजम क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को बोलती है, बहुत सारी चीज़ों को किन किन को बोलती है मैं अभी बताऊँगा। फिलहाल आप ये चीज़ देखिए कि दोनों वेवलेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव करेक्टर है, ये चीज़ स्थापित कर देगी इलेक्ट्रॉन के पास वेव करेक्टर है। अच्छा अगर वेव करेक्टर है इलेक्ट्रॉन के पास तो क्या होगा, देखिए ये तो आपके कोर्स का है, यहाँ तक क्या है, ये आपका कोर्स है, ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इतना सफिशिएंट है। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या हो गई अब वो जानिए। तो देखिए यहाँ हमारी वेवलेंथ इक्वल निकल आई तो अब डेवरॉय साहब एकदम 100% उनका जो भी हाइपोथेसिस थी उसको सत्य माना गया और उनको यहाँ नोबेल प्राइज़ दे दिया गया था, ठीक। देखिए जिसका फिजिक्स से कोई ताल्लुकात नहीं था, हिस्ट्री से ताल्लुकात था, वो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में लेके चले गए, ठीक है। मतलब एक इंजीनियर भी डॉक्टर है और एक डॉक्टर भी इंजीनियर है, यहाँ पर ये वाला है कहानी हो गई। तो देखिए अब ये चीज़ तो प्रूफ हो गई, ये चीज़ आपके कोर्स तक सिलेबस तक है, इतना आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे क्या क्या चीज़ें हमारे सामने निकल के आई, पहली चीज़ तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पार्टिकल डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। तो देखिए ये चीज़ पहले भी थी लेकिन यहाँ से ये चीज़ और ज़्यादा साफ होकर आ गई कि कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ की एग्जिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि आप उसे देख रहे हैं या नहीं, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो बिहेवियर शो करेगा जो आप चाहते हैं, मतलब जो आप रोज़ देखते हैं। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ ये बोर्ड रखा हुआ है, मैं रोज़ अपने रूम में जाता हूं तो इस बोर्ड को देखता हूं, ठीक। जब मैं अपने घर में नहीं होता हूं तो यहाँ ये बोर्ड भी नहीं होता है, ये कहीं भी होता है, पता नहीं कहाँ होता है, इसकी पोजिशन मुझे नहीं पता कहाँ होता है। लेकिन जैसे ही मैं घर में एंट्री करता हूं और जैसे ही मैं इसे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूं, जैसे ही मैंने इसे ऑब्ज़र्व किया
कि यहाँ वुड, तो तुरंत ही ये वुड क्या हो जाता है, आ जाता है। ये आपको बहुत वियर्ड लग रहा होगा सुनने में कि ऐसा कैसे हो सकता है सर, आप बेवकूफ़ बना रहे हो। ये क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि अगर हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तभी वो चीज़ वहाँ पर होती है, वरना वो नहीं होती है। वरना देखिए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए मैं घर से बाहर हूँ तो ये बोर्ड हमारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये कहीं भी होगा, पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ आते हैं बोर्ड तो छोड़िए घर ही नहीं होगा, घर नहीं होगा। जब मैं कहीं बाहर होऊंगा तो ये घर यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा, अपनी गली में घुसा, अंदर घुसा, जैसे ही मैंने ऑब्जर्व किया, तुरंत ये घर क्या हो गया, आ गया यहाँ पर। मतलब मेरे जाने के बाद यहाँ इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये बहुत ही अजीब फिनोमेना है क्वांटम मैकेनिक्स का कि, और ये डबल स्लिट से बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक, बहुत अच्छे से समझ में आता है कि इसकी कहानी क्या है। दूसरा क्या है कि हियर इफ़ वी आर नॉट ऑब्जर्विंग एनी बॉडी दैट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी इट मे और मे नॉट बी एट दैट प्लेस। हाँ, कि अगर हम उस, देखिए वही पॉइंट, चीज़ वही है, अलग तरीके से लिख दिया है कि अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं वहाँ रह कर, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो वहीं पर हो, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो कहीं भी हो सकती है, ठीक। मतलब एक पार्टिकल यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, वेव कैरेक्टर शो करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि मेरे घर में 10 कुत्ते हैं, एक का नाम मैगी है, एक का नाम जैनी है, एक का नाम कालू है, एक का नाम भूरा है, एक का नाम शेरा है, मतलब बहुत सारे कुत्ते हैं, अलग अलग नाम है। मैंने खाना दिया और सारे कुत्ते घर के अंदर घुसे, ठीक। कमरे में मैंने सबका कटोरा सजा रखा है, कालू भूरा नीला पीला जितने भी कुत्ते हैं 10 के 10 होंगे, ठीक। जैसे ही रूम के अंदर वो घुसते हैं, घुसते हुए मैं उन्हें देखता हूँ कि सारे कुत्ते घुस रहे हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। जैसे ही वो रूम के अंदर घुसते हैं, घुसने के बाद मैं पहचान ही नहीं पाता हूँ, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि कौन सा कालू है कौन सा भूरा है। वो क्या शो करते हैं वहाँ पर, वो वेव बिहेवियर शो करने लगते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाएंगे वहाँ पर, ठीक। वेव बिहेवियर शो करते हैं मतलब, देखिए यही जो आपका पार्टिकल बिहेवियर है, यही अंदर जाके कैसा हो रहा है, वेव बिहेवियर हो रहा है। अभी मैंने ऑब्जर्व क्या किया था, पार्टिकल, अब मैं क्या देख रहा हूँ, वेव बिहेवियर देख रहा हूँ, ठीक। मतलब अब उनकी पोजिशन कोई फिक्स नहीं, कहीं भी हैं, पता नहीं कहाँ हैं, ठीक। वह अपने कटोरे के पास भी हो सकता है, हो सकता है कि अलमारी में भी बैठा हो, हो सकता है तख्त पे भी बैठा हो, कहीं भी हो सकता है, तो ठीक। तो वेव कैरेक्टर क्या होता है, वेव कैरेक्टर, वेव बिहेवियर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर हैं कि आप क्या, तभी तो कहते हैं कि ये बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, तो उसकी ऐसी नज़र है ना कि वो क्या करती है, सब बिगाड़ देती है, खेल खराब कर देती है, ठीक। तो सेम ये कॉन्सेप्ट ना क्वांटम मैकेनिक्स से उठाया गया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है, बुरे नज़र वाले तेरा मुँह किस तरीके से काला होता है, ठीक। तो ऐसे ही होता है, जिसका ऑब्जर्वेशन नेगेटिव होता है वो आपको नेगेटिव कर देगा। आप किसी भी आदमी के साथ रहिए, अगर उसकी थिंकिंग नेगेटिव है, उसका ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है, तो आप भी नेगेटिव ही रहेंगे, बिल्कुल ठीक। अगर उसका ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है तो आप भी पॉजिटिव रहेंगे। ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है पूरी सारी दुनिया, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक। अगला पॉइंट क्या हमारा, Everything in the universe present in dual form and also this behavior of duality depends on observer or this can be better understood by double slit experiment. देखिए वैसे तो YouTube पे बहुत सारे double slit experiment के animations पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं वो animations की किस तरीके से double slit जो experiment है वो electron का interference pattern, electron का wave behavior और electron का particle behavior किस तरीके से दिखाता है, ठीक। जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है, इलेक्ट्रॉन को एक साइड से फेंका जा रहा है और वो स्लिट से पास होकर जा रहा है, जब हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ऑब्जर्व करते हैं तो वो स्लिट से पास होने के बाद स्क्रीन पर पार्टिकल बिहेवियर ही शो करता है। लेकिन जैसे ही हमने आँख बंद कर ली और इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया और वो डबल स्लिट से पास हो गया, पास होने के बाद जब हम आँख खोलते हैं तो उधर क्या मिलता है, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। देखिए ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर का, तो वो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने आंखें बंद कर दी तो वो उधर क्या कर रहा है, वेव बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहा है। तो इसका एनिमेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया ही बहुत अलग है, रियलिटी
के पास ही आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी के करीब लेके जाती है। ठीक, तो बहुत ही मज़ेदार दुनिया क्वांटम मैकेनिक्स की, मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स में घुस जाता है वो अलग ही जोन में चला जाता है, मज़ा आ जाता है, पागल हो जाता है कह सकते हैं हम लोग। ठीक, तो आज हम लोगों ने देख लिया डेविस और जर्मर एक्सपेरिमेंट, जी पी थॉम्सन भी सेम एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें दिखता है, इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं, सेम कहानी है, सब कुछ सेम है। आप जी पी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट पढ़िए। देखिए ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व करने वाली है, समझने वाली है, क्वांटम मैकेनिक्स की सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में आपको इंटरेस्ट है, ठीक, तो इसकी मैंने आपको बुक बताई थी एस सी वर्मा, क्वांटम मैकेनिक्स की बेस्ट बुक है, आप ले लीजिए, उससे ही पढ़िए क्वांटम मैकेनिक्स को। थैंक यू।